इस टाइम पे बिल्कुल है ना, मतलब चपरासिया वाला नौकरा वाला हाल बनिया हुआ है, क्योंकि दो तीन दिन तो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस वजह तो आपने पता है उन्होंने उनको इतने अच्छे लगे, उन्होंने कहा थोड़े से और ला के दे। वन एंड हाफ आवर लग गया, लेकिन सारी चीज़ें ना परफेक्टली फिट हो गई हैं। इस वाले बॉक्स में सारे लोन के सॉरी लीलन है, मैंने फैंसी कर दी है। अभी बस रोई जा रहा है। क्या हुआ है आपको? पता नहीं नजर लग गई है इसको। अच्छा जी फ्रेंड्स, किचन जाके मैं ना बिरयानी का मसाला बिल्कुल अच्छे तरह रेडी कर लिया सीगा। ऊपर घी भी आ चुकिया सीगा। मैं प्रॉपर आप लोगों के नाल इसकी रेसिपी नहीं डिटेल ना शेयर कर सकी, क्योंकि ना जो वर्कर से ना वो कह रहे थे कि सानू देर ना हो जाए, तो फिर जिनी जल्दी हो सकता ना आप ना लंच वास्ते ना प्रपेयर कर दो ना। तो और देखो बिल्कुल भी गोश्त नहीं टुटा फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे तरीके ना आराम आराम के नाल पकाया। हुण इत्थे जी मैं रखे सी कोले गर्म होने वास्ते, तो जो ही ये पक जाण पकने वास्ते रखे सीगे। और दूसरी साइड पर जी चावल बिल्कुल बॉयल होकर मैं चिकू च पा के रख लिया सी, जिहड़ी उत्ते गार्निश करनी सी, कलर ऐड करना सी, सारियां चीज़ां रेडी करके रख लिया सीगियां। कोले भी बिल्कुल पक चुके सी, हुण जल्दी दे नाल इन्हां नूं विच रख के ते इन्हां नूं स्टीम देंदे आ। फ्रेंड्स एक चीज़ मेक श्योर जरूर करनी कि कोले चंगी तरह पके होन, बस जल्दी दे नाल फिर थोड़े ऑयल उत्ते ऐड कर देना, स्मोक निकलनी जल्दी दे नाल कवर कर देना, तो सारा जिहड़ा कोलियां दा स्टीम होना है वह चिकन दे विच रच बच जाना है। और काफ़ी देर मतलब एटलीस्ट भी पाँच तो दस मिनट तक ना उन्होंने कवर करके जरूर रखियो। हुण जी फ्रेंड असी खोल लिया सी, पाँच तो दस मिनट हो चुके सीगे, बस हुण जल्दी दे जल्दी दे नाल ना लेयरां लगा के ना ते बिरयानी नूं ना दम दे विच रख दे, दम नीचे ओवन च देना है। और फ्रेंड्स इन्होंने उधर अब्बू भी कह रहे थे कि मैंने भुख लगी हुई सी, ओवन ऑलरेडी 350 ते पर प्री हीटेड हो चुकिया सीगा। हुण जल्दी दे नाल बिरयानी नूं कवर करके ओवन दे विच रख के और फिर जी अब्बू वास्ते ना मैं रेडी करना वा लंच, क्योंकि अब्बू ने जाना है काम ते नाल ही रोटी का पेड़ा बना के रखा सी जल्दी जल्दी। हुण मैं रोटी भी उपर तवे दे ऐड कर, अब्बू नूं मैं पुछ लिया सी कि रोटी किन्ना खाणगी, उह ते फिर अब्बू कहिंदे सी मसर है ते मैनूं ओही दे दो, ते मैं मसर दा सालन पिया सी ओही गर्म कर दिता। चाय नूं भी बॉयल हो गया, सारियां चीज़ां बिल्कुल रेडी हो गईयां, एग भी फ्राई करता। अच्छा जी फ्रेंड्स ते मैं रायता ना रेडी कीता सी, दे विच मैं क्यूकंबर गाजर ते प्याज नूं कद्दूकस करके दही दे विच ऐड करके जीरा नमक ते ना क्रश पेपर ऐड कीती है, ते नाल आप प्लेट्स भी ले आए। अम्मी चम्मच लैन वास्ते गई है और बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उन्होंने बाहर कर लिया। हम देखने खोल के 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अच्छे से इसको ना मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं। अल्लाह फ्रेंड इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, ओए मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, वो स्मोक की है ना। अभी मैं ना बस हिला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सारा मसाला और चावल मिक्स हो जाए। एक चीज़ होर तुम्हें नोट करनी चाहिए, देखो कि चावल जो ना वो स्टीम आ गया, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल एकदम मतलब लंबे लंबे और टूटे भी नहीं है। फ्रेंड्स एकदम से सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी देखे कितना ज़बरदस्त उन्होंने इतना नीट और अच्छे तरीके से किया ना कि दिल खुश हो गया। और ये देखें यहाँ से इधर ज़बरदस्त, इतनी बड़ी ऐसे लगता है जैसा खुला सा हाल बन गया है, पार्टीज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्त है। अभी यहाँ पे अभी एक यहाँ पे मैंने देसी किचन भी बनाना है, अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त लगा है। उनको इतने अच्छे लगे, उन्होंने कहा थोड़े से और ला के दे। अभी डाल लिया और वापस उनको दे के आते हैं।
फ्रेंच बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है जब कोई कहता है कि आपने इतनी अच्छी कुकिंग की है, तो मज़ेदार सा खाना बनाए, सारी थकावट कर जाती है। अच्छा जी फ्रेंड्स, हूँ मैं ना आन लगी सी वापस ऊपर, क्योंकि मैं क्या हम बच्चों ना शावर देव, क्योंकि बाहर सारा तो कंक्रीट वगैरह पै गया, हूँ बच्चों शावर देव फिर अपना सफाई ईद दी तैयारियां शुरू करिए। बस हूँ तो थोड़ा टाइम ही रह गया, इंशाल्लाह ताला जल्दी ना मैं पहले बच्चों के कपड़े कटा। फ्रेंड्स निम्रा शावर लेके नीचे चली गई, कह रही थी मुझे भूख लगी थी, वो खा ले तो हैदर यहाँ पे शावर लेके बैठा है, इसके ये वाले कपड़े निकाले हैं और कह रहा मुझे सर्दी लग रही है, खेसी दे दो। अभी खेसी में मैंने इसको कवर कर दिया। हैदर क्या हुआ है, सर्दी? चलो जल्दी से सलाम बोल दो फिर सबको, वालेकुम अस्सलाम। फ्रेंड्स बच्चों को शावर दे दिया, वो नीचे चले गए हैं, और अभी जी मैंने ना बच्चों के कपड़े हैं वॉश होने के लिए, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना वॉशर में डाल देती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, जो बैग यहाँ पे पड़ा था ना इस वाली छोटी वाली साइड टेबल के ऊपर, वो वाला उतार के मैंने नीचे रखा है, उसमें से मैंने कहा कपड़े निकाल के देखते हैं, ईद पर कौन सा पहनना है, मुहूर्त की बर्थडे पर कौन सा पहनना है, और ये दो चीज़ें मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि बच्चे जो है ना ये बार बार है ना ऊपर चढ़ के ना तो ऊपर वहाँ टीवी के पीछे जाते हैं, मैंने कहा कहीं ना चोट ना लग जाए, तो इसलिए ना अभी जल्दी से निकालते हैं कपड़े कौन से पहनने हैं। और यहाँ के यहाँ पे ना पता नहीं हैदर को क्या हुआ हुआ है, बस ना रो ही जा रहा है, सुबह से इतनी जिद कर रहा है, इतनी जिद कर रहा है, बस रो ही जा रहा है। अभी कि मैंने इसको शावर भी दिया है फिर भी बस रो ही जा रहा है, क्या हुआ है आपको? पता नहीं नज़र लग गई है इसको। और निम्रा देखो इसको पता नहीं सर्दी लग रही है, शावर लेके हटी है, देखो इतने सारे कंबल लेके ना वहाँ जाके लेट गई, आईपैड देख रही है। सलाम बोल दो निम्रा। फ्रेंड्स अब इतने ज़्यादा कपड़े हो ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ना चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी बैग के ना सारे कपड़े भाई निकाल लिए हैं, कोई समझ नहीं आता कौन से वाला पहनूँ ना। अभी मैंने कहा मैं अम्मी को आवाज़ देती हूँ नीचे से, फिर अम्मी मेरी हेल्प करेंगी कि कौन से वाला पहनना है इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स अभी सारा काम यहीं पर मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि उधर के ना नैप का टाइम है, टाइम हो रहा है 4:30, तो मैंने कहा जल्दी से पहले इसको सुला दूँ, फिर उठेगा ना तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर इनको इन्हें मैं सेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स हैदर सो गया सी, तो फिर कपड़े ड्रायर हो गए, तो मैं कपड़े नू आयरन भी करके रख लिया, क्योंकि जिन्ना जल्दी हो सके ताकि जरा जरा काम है मैं जल्दी जल्दी कर लवा, ताकि सफाइयाँ भी करनी है। फिर मैं हूँ ये जो कपड़े हैं निम्रा दे हैंग करांगे, हैदर दे मैं हमेशा तय लगा के रख दियाँ, निम्रा दी जो एक्स्ट्रा पेंटियाँ उन्होंने भी ना सैट पर एक्सट्रा रखनी है, ताकि जी फिर जिदे शर्ट के नाल मैच हो फिर वो पा लें। हूँ मैं जल्दी जाके हैंगर लैके आँगी, उन्होंने हैंग कर लेनी है, जेरे कपड़े हैंगर में जाने से फ्रेंड्स उन्होंने मैं हैंगर में पा लिया, इन्होंने मैं जाके ना रूम च आहिस्ता जी ना हैंग कर आँदी हाँ, फिर बाकी कपड़े लैके जाती। फ्रेंड्स कपड़े सारे हैंग कर दिए, आम मैं जिस दिन फादर डे से ना तो मैं अपू वास्ते शॉपिंग कर गई सी ना, तो H&M तो, फिर मैं ना निम्रा वास्ते भी ना H&M तो ना कपड़े लैके आई सी, तो मैं वो तेरे नाल शेयर ही नहीं की, तो मैं ना हूँ हैंग कर लगी, तो मैं चलो मैं तुम्हें दिखाई है। वो पापा ने हैदर नू लैके दिता सी, कहते मैंने बहुत अच्छा लगता है, तो बाकी एक आ फ्राक है निम्रा दी और एक आ फ्राक है निम्रा दी और एक आ, तो मैं इन्नी पसंद है ना, इन्नी मैं प्यारी लगी ना फ्रेंड्स आ वाली देखा, मतलब रेनबो टाइप है, कहते फिर भी मैंने रेनबो टाइप है। और आ जी शर्ट है मैं आपने दिखानी हूँ फ्रेंड्स, ये ना निम्रा ने अपने पापा नू दी सी फादर डे उत्ते, आ वाली ये अपने पापा वास्ते लेके आई सी। अबू वाली शॉपिंग मैं इंशाल्लाह ताला ना तेरे नाल शेयर कर दिया, मैं इन्होंने जल्दी दे नाल मैं क्या सी हैंग कर दें फ्राक्स है ना। फ्रेंड्स मैं इसलिए हैंग कीतिया सी फ्राकां, क्योंकि ये फिर ना इन्हों वट पै जाते ना एको जगह पे रहन से फैंसी कपड़े होंगे है, तो फिर मैं इन्होंने हम जल्दी देना हैंग कर दी, नाल ईद आ रही है फिर मैंने चलो पता होगा जोड़ा भी निम्रा ने पहनना हो फिर बंदा डिसाइड कर लेंगे। सारा गारबेज वगैरह मैं क्या मैं इस बैग में पा लें, देखो सारा मैं इतने टेबल उपर रखा ये रख लेंगे। हैदर भी उठ गया, मैं अभी ना इसका दूध लेके आती हूँ। फ्रेंड्स बच्चे दूध पीने के बाद नीचे चले गए थे, तो मैं टाइम हो रहा है अभी 7:30, तो ना मुझे पूरा मतलब 1.5 आवर लग गया, लेकिन सारी चीज़ें ना परफेक्टली फिट हो गई हैं। इस वाले बॉक्स में सारे लोन के सॉरी लीलन है, मतलब इधर सारे लीलन लीलन थोड़ी सी स्पेस आती है, तो लोन के थोड़े एक्स्ट्रा थे वो मैंने साथ इधर रखती हैं, ये सारे बॉक्स में लोन के हैं, और इधर जो है सारे मैंने फैंसी कर दिए। अभी जब भी पार्टी के हिसाब से मुझे पता होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी गैदरिंग है तो थोड़ा सा फैंसी पहन लेते हैं, अगर लोन में फैंसी होगा तो इसमें आधे फैंसी हैं कैजुअल है, हर तरह का लोन का मैंने इसमें रखा है, लीलन का फैंसी है लोन में है, लीलन का जो फैंसी में है
कैजुअल पहनने में वो सारे मैंने इसमें रखे हैं, ताकि फिर मुझे ना इजीली जो मिल आसानी से मिल जाया करेगा वो निकाला करेंगे, वही बॉक्स बाहर निकाला करेंगे और उसमें से कपड़े निकाल लिया करें। बेशक बॉक्स में से सारे भी बाहर निकाल के रखने पड़ेंगे ना, तो मैं तरतीब से ना ईजिली अंदर रख सकती हूँ, जो कि बैग में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कुछ कपड़े घर में पहनने के लिए भी निकालने हैं, अभी वहाँ से सारा क्लीन अप करती हूँ, देखना कितनी ज़्यादा स्पेस भी बचेगी, खुला होगा कमरा। ये भी मैंने अभी फेंक देना, क्योंकि ईद की सफाई करेंगे ना तो ये भी जाएगा। फ्रेंड्स, बाक्सों में ना कपड़े रखने का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मेरी काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ ना मतलब एडजस्ट होगी चीज़ें ना, और साथ में अभी और मे भी अगर मैं इस वाली क्लोजेट को मूव करूँ तो यहाँ पे ला के 3 ऐसे बॉक्सेस और रख सकती हूँ। लेकिन अभी मेरे जितने भी कपड़े थे सारे इन बॉक्सेस में फिट आ गए हैं, कुछ थोड़े फैंसी वो मैंने इस वाले बॉक्स में रख लिए, ऊपर वाले बैग में ना हैदर के ना शलवार कमीज है, तो काफ़ी स्पेस यूटिलाइज होगी, काफ़ी चीज़ें मतलब फिट होगी। मैं आप लोगों को दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ, इधर वाली साइड से कुछ ऐसा लुक हो गया है, क्लीन अप भी हो गई है सारी चीज़ों का। मुझे पता है कि नीचे वाले में फैंसी हैं, ऊपर वाले में लिलन और ऊपर लोन, वो लोन इसलिए ऊपर क्योंकि आजकल गर्मियाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ होगा। और इधर वाली साइड पर भी ये देखें, इस वाले में ना हैदर के जो निमरा की जो छोटी वो चीज़ें ना वो नहीं है ना, फिर मैंने वो संभाल के रखी हुई हैं, बाकी वो मैं इसके कपड़े हैं मेरे कपड़े हैं, तो काफ़ी चीज़ें ना मतलब बैलेंस हो गई हैं। अभी जल्दी से जी क्लोज़ेट को करते हैं बंद और चलते हैं जी नीचे, बाकी का सारा सामान अभी यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि बच्चे जाना चाहते हैं पार्क और उनको लेके जा रहे हैं जी पार्क, फिर ये जो सारा खिलारा है आके उठाएंगे और वहाँ से देखिए कितनी जगह स्पेस साफ़ सुथरा हो गया। अभी वहाँ पर मैं सोचना है वहाँ पर क्या करना है, बच्चे मुझे लगता है भाग गए हैं बाहर को। मैंने पानी की बोतलें ले ली हैं और अभी जी मैं भी जाने लगी क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी मैस लेके चले गए हैं। अच्छा मौसम है, सूरज तो निकला है, हवा चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। इस टाइम आके ना गर्मी का जो जोर होता है ना कम हो जाता है, जो दोपहर के टाइम होता है ना तब बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त ना फिर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह कितने ज़्यादा फ्लावर निकले हुए हैं। पार्क में ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, सारा दिन गर्मी थी, मैं मैस्क करी, अभी एकदम से लगता है टेम्परेचर गिर गया। इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, बस वो थोड़े से खेल रहे हैं, तो और यहाँ पे निमरा और हैदर खेल रहे हैं। मैं कह रही थी हम चलते हैं घर, भूख भी मुझे लगी काम कर करके, अभी कुछ मुझे खाना है।